दूध, दूध के साथ आपने चीनी डाल देनी है, लाल वाला शरबत डाल देते हैं, आप चाहें तो साथ में इसमें आइस भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, दो चार बादाम भी डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये चलेगा, तो अच्छे से बादाम भी इसमें क्रश हो जाएंगे तो अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। नारियल नहीं डालेंगे, नारियल थोड़ा सा वो ऑयल छोड़ देता है इसलिए। तो इसको मैं चलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेरी को हम इस तरह से कट करते हैं और थोड़ा सा इसको चॉप चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे चॉपर को और ब्लेंडर को, ठीक है, हल्का सा थोड़ा क्रश हो जाए। सही है, ये इसमें जाएगी जेली। अब बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं चलाना वरना बिल्कुल वो घुल ना जाए, हल्के हल्के से जो छोटे छोटे से चंक्स होते हैं ना वो आने चाहिए। ये देखें हल्के हल्के से आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं तुखमलंका, लेकिन हम क्या करेंगे इसको चलाएंगे नहीं, वैसे ही डाल देते हैं ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से शरबत रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, ग्लासेस ले लें आप, जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है तो उसके अंदर आप इसको सर्व कीजिएगा। ये मेरे पास बड़े अच्छे से ये हैं, ये देखें छोटे छोटे से इसके अंदर जो आ रहे हैं ना जेली के पीसीस और तुख मलंगा। ठीक है, खोए को आपने हाथ से क्रश करके डालना है वरना वो नीचे बैठ जाएगा सारा। ठीक है, ये खोया चला जाएगा इसके ऊपर। सही है, अब ये है नारियल कद्दूकस किया हुआ। अब जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए बादाम पिस्ते, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। दूध का शरबत, अज्जा, दूध 2 ग्लास, चीनी 2 खाने के चमचे, लाल शरबत 4 से 5 खाने के चमचे, खोया 3 से 4 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 1 खाने का चमचा, बादाम स्लाइस 1 खाने का चमचा, कद्दूकस खोपरा 1 खाने का चमचा, तैयार जेली हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ क्यूब्स 6 से 8 अदद, तुख मलंगा आधा चाय का चमचा।